बार 26 जनवरी को मैं ऐसा क्या करूं कि लोग देख के मोटिवेट हो जाएं। चलो क्यों ना पापा से ही पूछ लेता हूं। पापा पापा आप मेरे लिए आर्मी की ड्रेस लाके दो ना। बेटा आप क्या करोगे आर्मी की ड्रेस का? आपको कौन सा आर्मी में जाना है? आपको तो हमारा बिजनेस संभालना है बेटा। आर्मी की ड्रेस का आप क्या करोगे? नहीं पापा, मुझे आर्मी की लाइफ, डिसिप्लिन और एटीट्यूड बहुत पसंद है। मुझे आर्मी में जाना ही जाना है। प्लीज मेरे लिए आर्मी की ड्रेस ला कर दो ना। बेटा मेरा ऑलरेडी दिमाग बहुत खराब है, मेरा ऑलरेडी काम बहुत पेंडिंग है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाके आप भी कुछ अच्छा काम करो। चलो जाओ। अरे यार पापा तो मानते नहीं। अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे तो आर्मी में कौन जाएगा? देश की रक्षा कौन करेगा? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पापा भी मान जाए और आर्मी में ना जाने की जिद छोड़ दे। आइडिया। अच्छा पापा, आपके ऑफिस में कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? एनी आइडिया? बेटा होंगे 100 के आसपास। अच्छा पापा, अगर हर रोज एक सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस से बाहर निकाल दे तो 100 डेज बाद क्या होगा? तो ऑब्वियसली बेटा ऑफिस में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बचेगा और सिक्योरिटी ब्रीच होने का पूरा चांस होगा। अच्छा पापा, फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान? बेटे बचेगा कुछ नहीं। तो पापा सोचो, अगर ऐसे ही हमारे देश में आर्मी कम होती चली गई तो इंडिया का क्या होगा? बेटा आप बोल तो सच रहे हो, हमें अपने देश और अपने देश की सिक्योरिटी के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। बस बेटा आप टेंशन मत लो, आप अपनी मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं अभी के अभी आपके लिए आर्मी की ड्रेस लेकर आ जाता हूँ और मैं आपको आर्मी से में जाने से भी नहीं रोकूंगा। येलो लव, आपकी आर्मी की ड्रेस। अब तो खुश? बेटा इस ड्रेस की हमेशा इज्जत करना, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। इस ड्रेस को पहनने के बाद जो अंदर जोश आता है और जो फीलिंग आती है वो इस दुनिया में किसी भी चीज में नहीं आ सकती, इसका कोई मैच नहीं है। तो इसकी हमेशा इज्जत करनी है, ठीक है? कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ दे